बेदा जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने हुमनाबाद और चिटगुप्पा तालुकों का दौरा किया। इस दौरान मोहम्मद फिरोज खान ने हुमनाबाद की जामिया मस्जिद का दौरा कर वहां की समिति के बारे में जानकारी ली और मस्जिद का जायजा लेते हुए वहां उपलब्ध व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने मस्जिद समिति द्वारा बताई गई जरूरतों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इस अवसर पर बीदर वक्फ अधिकारी शहजाद अहमद सहित मस्जिद और ईदगाह समिति के जिम्मेदार और अन्य नेता आदि उपस्थित रहे। इसी बीच मोहम्मद फिरोज खान का जामिया मस्जिद समिति द्वारा सम्मान किया गया। खान ने वक्फ संपत्तियों का जायजा लेते हुए मीडिया से बात की और समितियों के बारे में चर्चा की और समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया। जल्द से जल्द बनाने का प्रपोजल भेजेंगे बेंगलोर को और हमारे तहसीलदार मैडम हुमनाबाद और चिड़गुप्पा तहसीलदार के साथ मीटिंग की है वक्त के रिलेटेड, उस पर भी जल्द से जल्द सलूशन होंगे जो भी डिस्प्यूट चल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बिदर डिस्ट्रिक्ट के हुमनाबाद तालुके में आली जनाब फिरोज खान साहब डिस्ट्रिक्ट वक्फ चेयरमैन और उनके हमरा जो बिदर डिस्ट्रिक्ट के जो DAO यानी वक्फ ऑफिसर हैं उनका जो है हुमनाबाद को विजिट हुआ। ये बहुत ही खुशी की बात है कि हुमनाबाद को जो है चेयरमैन साहब का जो है फर्स्ट विजिट हुआ और यहाँ पर आने के बाद बहुत मुस्बत जो है यहाँ पर अमल सामने आया है और यहाँ के जो हुमनाबाद जामा मस्जिद और हुमनाबाद में जो वक्फ के मसाइल हैं उसको डिटेल में चेयरमैन साहब के सामने पेश किया गया और यहाँ की हुमनाबाद के अवाम चेयरमैन साहब से ये खुबी उम्मीद रखती है कि आने वाले वक्त में जो भी यहाँ पर जो है वक्फ को लेकर